हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉप क्या होता है? क्रॉप यानी कोई भी पर्टिकुलर टाइप का प्लांट जब ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। और मैनेजमेंट, क्रॉप्स उगाने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कौन सी चीजें हमको प्रिपेयर करनी पड़ती है, क्या क्या अप्लाई करना पड़ता है क्रॉप को अच्छे से ग्रोथ कराने के लिए, वो उसके मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे। आज हम पूरी फार्मिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। भले हम सिटीज में रहते हैं लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे हमारे बुक्स में ऐसे चैप्टर्स डाले हैं जिससे क्या कि हमको वो विलेज वाली भी पूरी नॉलेज हो कि फार्मिंग कैसे की जाती है। भले हमने कभी ना देखा हो, भले हम सिटी में रहते हो, कभी विलेज ना गए, फिर भी हम स्टडी करने से हमको क्या पूरी विलेज में जो फार्मिंग होती है, कौन से मेथड्स इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे हमारे पुराने टाइम के हमारे इंडियन पीपल, और अब मॉडर्न टाइम में क्या टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी क्या कि फार्मिंग करने के लिए हमको कौन सी चीजों का मैनेजमेंट करना पड़ता है, कौन सी चीजें क्या पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, कौन सी चीजें हमको करनी होती है एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए, कैसी कंडीशन, कैसा एटमोस्फियर प्रिपेयर करना पड़ता है क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए। तो उसमें आते हैं फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को क्या, सॉइल नॉर्मली सॉइल किसी फील्ड की सॉइल कैसी होती है, एकदम हार्ड लंप में होती है, उसको ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करना, सॉइल को प्रिपेयर करना जिससे कि क्या अगर हम किसी लंप ऑफ सॉइल को छोटे छोटे पीसेस में ग्रो करें तो वहां पे क्या अर्थवॉर्म की ग्रोथ होगी, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। फिर सेकेंड है शोइंग। शोइंग यानी सीड्स को सॉइल में इंसर्ट करना, सॉइल में डालना जिससे उसके बाद क्या प्लांट के ग्रोथ का जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर हमने फर्स्ट क्या किया, सॉइल प्रिपेयर किया सीड को डालने के लिए, फिर हमने सीड डाला सोइंग वाले प्रोसेस में, फिर हमको फर्टिलाइजर मैन्योर क्या करेंगे सॉइल में मिक्स करेंगे, तो उससे क्या जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट को मिलेंगे रूट के थ्रू वो क्या इंक्रीज हो जाएगा जिससे क्या प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी। देन आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं, कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स जो हम नहीं चाहते कि प्लांट उगे, वो जो प्लांट उग जाते हैं हम जो क्रॉप उगा रहे होते हैं उसके अलावा जो घास या क्रॉप्स उग जाते हैं दूसरी वैरायटी के अलग जिसका कोई यूज नहीं होता उसको वीड्स बोलते हैं, वो कैसे वो भी हमको रिमूव करना पड़ता है। देन इरिगेशन। इरिगेशन यानी क्या, हमने सॉइल प्रिपेयर की, सीड भी डाल दिया उसमें, फिर हमने क्या मैन्योर एंड फर्टिलाइजर डाला, वीड्स भी हटा दिए, अब हमको वाटर सप्लाई करना पड़ता है जिससे क्या प्लांट की सीड का अच्छे से ग्रो हो प्लांट में। देन आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग वो स्टेज है जब प्लांट को कट किया जाता है। देन आता है स्टोरेज। स्टोरेज यानी जो हमने क्रॉप उगाए उसके जो ग्रेन्स है, सीड्स है उसके, उसको कैसे स्टोर किया जाए। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें कौन से मेथड्स का यूज किया जाता है, कौन से टूल्स का यूज किया जाता है वो भी हम देखेंगे। और क्या कि पहले के टाइम पे लोग क्या यूज करते थे, कैसे फार्मिंग करते थे, आज के टाइम पे लोग कैसे फार्मिंग करते वो सारा हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा चैप्टर एकदम माइंड में क्लियर हो जाएगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो फिर आपको ये चैप्टर अगेन रिपीट बुक में लर्न करने की जरूरत, रीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखा है जैसे डिस्क्राइब किए, इस तरीके के आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम है सपोज आपका कल, तो एक दिन पहले आप सारे नोट्स जो आपने इस टाइप के लिखे होंगे वो फटाफट रीड करके ही आपके माइंड में आ जाएगी कि हाँ ये हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए कहीं पे भी हम जाएंगे सॉइल एकदम हार्ड लंप शेप, उसमें कई सारे स्टोन्स भी होते हैं,
सॉइल हर अलग एरिया की, अलग स्टेट की सॉइल क्या थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हमको सॉइल प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें क्या जो अर्थवॉर्म है इजीली मूव कर पाए सॉइल में, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट के, क्रॉप के ग्रोथ के लिए अच्छे हैं, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। जो प्रोसेस है सॉइल के प्रिपेरेशन की, जो प्रोसेस है सॉइल के, जो ब्रेकडाउन की प्रोसेस है, उसको टिलिंग, और प्लगिंग भी कहा जाता है। इसमें तीन इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। सबसे पहले प्लग, में क्या, प्लग सिंपल होता है, दो एनिमल्स होते हैं। प्लग सिस्टम में क्या होता है, इधर देख लीजिए, सपोज ये दो एनिमल्स हैं, ये एक एनिमल है, दो एनिमल होते हैं ऐसे, उनके साथ अटैच एक वुड का इंस्ट्रूमेंट होता है पूरा कुछ इस टाइप का, मे बी आपने देखा होगा, जो ऐसा होता है कुछ इस टाइप का होता है, ये अटैच रहता है। जैसे ही एनिमल्स आगे बढ़ते वैसे वैसे क्या, जो सॉइल, जो हार्ड सॉइल होती है उसके अंदर ये शार्प, एकदम शार्प होता है, एकदम शार्प होता है नीचे से, जिससे क्या सॉइल जो होती है वो लम्स होते हैं सॉइल के, जो ये इससे क्या होता है, जब ये हम फील्ड में करते हैं, जो इस टाइप के जो सॉइल होते, सपोज सॉइल पहले इस टाइप का था, तो वो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ये जो शार्प ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू, फिर सॉइल कुछ इस टाइप में मिक्स हो जाता है। और जो अपर लेयर होती है सॉइल की, जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, वो भी ब्रेक होके पूरे सॉइल में मिक्स हो जाती है अच्छे से, ये प्लगिंग के थ्रू, टिलिंग के थ्रू। प्लगिंग भी बोला जाता है और इसको टिलिंग भी बोला जाता है। देन दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हॉय। हॉय कहा जाता है, वो कैसा होता है, हॉय कुछ इस टाइप का होता है, जिसको हम मे बी फावड़ा भी बोलते हैं शायद, ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। इस टाइप को क्या, हम अपने हाथ से, हमारी एनर्जी से सॉइल, के जो बड़े बड़े लम्स होते, पीसीज होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, और जो अपर लेयर होती है सॉइल के, उसको बाकी सारी लेयर्स के साथ मिक्स करते हैं, और जो हम क्रॉप्स डाल सके, क्रॉप्स उगा सके, सीड अंडर डाल सके, उस टाइप का सॉइल एकदम कैसे माइन्यूट पार्टिकल्स में इसके थ्रू किया जाता है। ये प्लग और हॉय, ये दोनों किस टाइप के मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल टूल्स है। अभी मॉडर्न टाइम हमारे क्या, इंडिया में अब टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब पहले जितनी मेहनत हम ह्यूमंस को नहीं करनी पड़ती है, तो उसी न्यू मेथड है, मॉडर्न मेथड, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर में क्या होता है, एक ट्रैक्टर, आपने सबने मूवीज या विलेज में, होम टाउन विजिट किया होगा, विलेज गए होगे तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर्स होते, उनके पीछे कुछ बताती हूँ, ट्रैक्टर्स के पीछे कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ अटैच होता है, जिससे क्या ट्रैक्टर तो फास्ट मूव करेगा, एनिमल्स भी स्लो होंगे, हम ह्यूमंस अगर अपनी एनर्जी से करते हैं तो हमको भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा पूरे फील्ड को, पूरे फार्म को प्रिपेयर करने के लिए, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए। लेकिन ये कल्टीवेटर वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो व्हीकल है, ट्रैक्टर है, उसमें जो पीछे ये अटैच होता है, इसके थ्रू क्या फटाफट प्लगिंग वाली प्रोसेस हो जाती है। अब नेक्स्ट है शोइंग। शोइंग में क्या होता है, हमको क्या, शोइंग वाले प्रोसेस में हमको गुड, पहले तो सबसे पहले हमको गुड क्वालिटीज के जो सीड्स होते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के बीए होते हैं, वो चुनने होते हैं। और क्या उसमें कैसे हम चूज कर सकते हैं, देखिए सपोज एक बीकर लिया हमने, ये एक बीकर है,
बीकर में क्या वाटर फिल किया हुआ है? जो भी सीड्स अच्छी क्वालिटी के होंगे वो जिस जैसे ही हम उसको पानी में डालेंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर अच्छे सीड्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं। लेकिन जो सीड अंदर से होलो, होलो मीन्स अंदर से खोखले होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। कुछ ऐसा होगा जैसे अगर हम सपोज किसी टाइप का पर्टिकुलर टाइप का सीड चेक करने के लिए हम अगर वाटर में डाल रहे हैं, तो कुछ सीड क्या होंगे, कुछ सीड्स अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे और कुछ सीड वाटर के सरफेस पे ही रहेंगे। जो वाटर के सरफेस पे रहेंगे वो सीड क्या होंगे, अंदर से हॉलो, अंदर से हॉलो यानी अंदर से खोखले होंगे। और जो सीड नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे वो अच्छी क्वालिटी के सीड होते हैं। तो इस टेक्निक से फार्मर्स पता लगाते हैं कि कौन से क्वालिटी के सीड अच्छे हैं और कौन से क्वालिटी के सीड खराब है। तो सोइंग में हमने सबसे पहले सीड देख लिया, अच्छे क्वालिटी के सीड हमने ले लिए इस मेथड के थ्रू देख के ले लिए। देन अब हमारे पास दो मेथड्स है जिससे हम क्या सोइंग करते हैं, यानी जो हमने फील्ड प्रिपेयर किया, जो सॉइल को हमने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन किया, अब उसमें हम बीए डालेंगे, जो बीज है वो अंदर डालेंगे। तो कैसे डाला जाता है, हर थोड़ा गैप छोड़ के फिर सॉइल में सीड्स को डाला जाता है। उसके दो इंस्ट्रूमेंट, दो मेथड्स है। एक तो ट्रेडिशनल टूल है, ट्रेडिशनल टूल यानी सेम दो एनिमल्स होंगे आगे पीछे सेम, सेम सपोज ये एनिमल है, ये दो एनिमल्स हैं, इनके साथ एक वुड वाला इंस्ट्रूमेंट अटैच रहता है जिसमें मैंने पहले ही बताया कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी यहाँ पे एक फनल होता है, इस मेथड में जब हम शोइंग कर रहे हो तब ये सेम इंस्ट्रूमेंट जो हमने यहाँ पे प्लग प्लग वाले मेथड में जो सेम इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, दो एनिमल्स होंगे और उसके साथ ये वुड वाला पार्ट अटैच होगा, सेम वैसा ही होता है। बस यहाँ पे फर्क इतना, यहाँ पे एक फनल, फनल कैसा होता है, फनल कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या सीड भरा जाता है, जो यहाँ पे फनल यहाँ पे रहता है और इसमें क्या सीड्स फिल कर दिए जाते हैं, जो क्या जैसे जैसे एनिमल्स आगे बढ़ेंगे, एक ह्यूमन भी वहां पे रहता है एनिमल्स के साथ, वो क्या थोड़ी थोड़ी देर में वहां पे जो सीड्स है वो गिराता हुआ जाता है पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, थोड़े थोड़े स्पेस छोड़ के। तो ये वाला कौन सा मेथड हुआ, ये वाला हुआ ट्रेडिशनल मेथड। नाउ नेक्स्ट है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल अगेन ये मॉडर्न टाइम का क्या है, व्हीकल है जिसके थ्रू क्या होता है, शोइंग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेम ट्रैक्टर होता है एक, ट्रैक्टर होता है उसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट अटैच होता है जिस कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे जो ये एरिया होता है, इतना जो पार्ट होता है उसमें सीड पहले से ही फिल कर दिया हुआ होता है और वो यहाँ पे ये जो नीचे की ये जो एरिया है वहां से सीड्स सॉइल के अंदर एकदम डेप्थ में गिरते हुए जाते हैं। जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे सीड्स गिरते हुए आगे ट्रैक्टर मूव करता है। तो ये वाला मॉडर्न मेथड है, आज के टाइम फार्मर्स मोस्टली ये वाला मेथड, ये वाला व्हीकल का यूज करते हैं सोइंग के लिए। पुराने टाइम पे ट्रेडिशनल टूल का यूज किया जाता था, जैसे एनिमल्स का यूज किया जाता था शोइंग के लिए। ये हमने अभी तक क्या किया, पहले सॉइल को प्रिपेयर किया सीड डालने के लिए, देन सोइंग में सीड डाला, सोइंग वाले प्रोसेस में देन हम क्या करेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर।
अब मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में फर्क क्या है? अब जो मैन्योर है वो नेचुरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरली प्रिपेयर होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये हम कहीं पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें हमको क्या करना है, जो एनिमल वेस्ट होते हैं जैसे काउ डंग हो गया और जैसे प्लांट वेस्ट, या हमारे घर पे भी वेजिटेबल पील्स होती है, छिलके होते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, उसको सबको कलेक्ट करके रोट होने यानी सड़ने के लिए कुछ टाइम के लिए हमको छोड़ देना होता है। और कुछ टाइम बाद क्या उसमें गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाता है जो हम सॉइल में ऐड करेंगे, तो सॉइल की क्या न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएगी। ये होता है मैन्योर। अब फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर पूरा केमिकल से बना हुआ होता है और हम फर्टिलाइजर कहीं पे भी नहीं बना सकते हैं। फर्टिलाइजर हमेशा कंपनीज में बनाया जाता है जहां पे अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स हो, और फर्टिलाइजर में सारे ही टाइप के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। हर फर्टिलाइजर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स वाला मिलता है मार्केट में। जो न्यूट्रिएंट्स की तुम्हारे सॉइल में कमी हो, डेफिशिएंसी हो, सॉइल में जिस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हमारे सॉइल में है, उसी टाइप का न्यूट्रिएंट्स हम हमारे सॉइल में ऐड करते हैं। बाकी मैन्योर में ऐसा कुछ नहीं है। मैन्योर में सब टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बस कम अमाउंट में होते हैं। फर्टिलाइजर में थोड़ा हाई पावर का होता है क्योंकि वो पूरा केमिकल वाला होता है। तो फर्टिलाइजर पूरा केमिकल है, अनहाइजीनिक है, और जो फर्टिलाइजर अगर हम ज्यादा अप्लाई करते हैं हमारे फार्मिंग में, ज्यादा यूज करते हैं सॉइल में फर्टिलाइजर, तो उससे क्या वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। वाटर पॉल्यूशन कैसे? जब हम इरिगेशन वाले प्रोसेस में वाटर डालेंगे, स्प्रेड करेंगे, वाटर देंगे प्लांट्स को, सीड्स को, तो वो जो वाटर है जो ग्राउंड के नीचे एब्जॉर्ब होगा ना, तो वो ऊपर वाली सॉइल में जो भी केमिकल्स थे वो लेके नीचे एब्जॉर्ब होगा। और जो ग्राउंड वाटर टेबल होता है, जो 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, जो नीचे एकदम वाटर एब्जॉर्ब होता है, जो हम बोर बनाते हैं, ट्यूबवेल बनाते हैं, जो वाटर आता है वो ग्राउंड वाटर ही होता है, तो वो वाला वाटर फिर हमको क्या इम्प्योर मिलने लग जाएगा, केमिकल्स वाला मिलने लग जाएगा। तो ये उसके लिए भी ये वाटर पॉल्यूशन भी कर रहा है फर्टिलाइजर। इसीलिए फर्टिलाइजर हमको ज्यादा नहीं कम यूज करना चाहिए। और मैन्योर काफी अच्छा होता है, मैन्योर के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं, लेकिन फर्टिलाइजर अगर हम ज्यादा अप्लाई करेंगे हमारे सॉइल में, ज्यादा ऐड करेंगे, तो कुछ टाइम बाद क्या सॉइल भी अनफर्टाइल हो जाएगी। जो क्रॉप हम उगाएंगे उसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। तो अभी तक हमने क्या किया, सॉइल के जो लम्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया ताकि उसके अंदर सीड्स अच्छे से जा सके, फिर हमने शोइंग वाले प्रोसेस में सीड्स भी डाले, देन हमने एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर वाले में, हमारा जो सीड हमने डाला है, जो प्लांट उगेगा वो एकदम हेल्दी होगी, एकदम प्रॉपर ग्रोथ हो उसकी, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, इसलिए हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर भी ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो वीड्स है, अनडिजायरेबल प्लांट्स को वीड्स कहा जाता है। अनडिजायरेबल प्लांट यानी जो ग्रासेस होते हैं ना, घास जो कहीं पे भी ग्रो हो जाती है, हमको कोई सीड या कुछ प्लांट नहीं डालना पड़ता है, प्लांट नहीं करना पड़ता, वो कहीं पे भी अपने आप ग्रो हो जाता है, उसको वीड्स कहा जाता है। वीड्स क्या करते हैं, जो भी फर्टिलाइजर मैन्योर हमने हमारे क्रॉप्स के लिए डाला कि वो अच्छे से ग्रो हो, सॉइल में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके रूट के थ्रू, तो ये जो वीड्स होते हैं ये वही न्यूट्रिएंट सॉइल में से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे क्रॉप्स के लिए काफी हार्मफुल है। अगर ये वीड्स ही अगर सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे तो हमारे जो क्रॉप हमने उगाया है, जो सीड जिस चीज के डाले, वो तो प्रॉपर ग्रो कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमको वीड से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या पूरे फार्म में वीडी साइड्स का यूज करते हैं, जो कि एक मेडिसिन है, केमिकल है, जो क्या वीड्स जो उगे होते हैं, ग्रो होते हैं फार्म में, वो क्या मुरझा जाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ग्रो नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इरिगेशन। अब इरिगेशन यानी हमने जो सॉइल प्रिपेयर किया, उसमें सीड्स डाले, फिर हमने उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर डाला ताकि वो प्रॉपरली ग्रो हो, देन हमने
हमारा जो मैन्योर फर्टिलाइजर डाला है वो कोई और प्लांट, अनडिजायरेबल प्लांट एब्जॉर्ब ना कर ले, इसलिए वीडिसाइड्स भी डाला। अब हमको हमारे फील्ड में क्या डालना है, पानी, वाटर सप्लाई लेके आना है। अब हम हमारे प्लांट्स को वाटर कैसे देंगे? सबसे पहले सोर्स ऑफ वाटर क्या है, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, आखिर हम पानी कहाँ से लाके देंगे? हम हमारे घर से तो लाके देंगे नहीं, हमारे घर में कोई इतना सारा पानी तो है नहीं कि हम हमारे घर से लेके आए और हमारे फार्म में अब डाले, इतना इतना वाटर तो हमारे घर पे है नहीं। हम क्या, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं, वेल यानी कुआं, ट्यूबवेल यानी बोर, पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ इरिगेशन। यहाँ से ऐसी जगहों से, रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, वहां से क्या फार्म तक पानी लाया जाता है, अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग मेथड से, तब जाके फार्मिंग होती है। तो इसमें भी अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग मतलब रिवर, पॉन्ड, वेल से फार्म तक पानी लाने के अलग अलग मेथड्स है। तो देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, मुएट, मुएट पुली सिस्टम। मुएट पुली सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि सपोज मैं ड्रॉ करके बताती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये मुएट सिस्टम में हमारे पास एक वेल है, वेल मीन्स क्या, वेल मीन्स हमारे पास एक कुआं है, ये हमने कुआं बना लिया। इसमें एक हमने, ये देखिए दो ऐसा होता है, नॉर्मली आपने मूवीज में भी देखा होगा, यहाँ पे एक पुली होता है राउंड, उसकी एक जो थ्रेड है वो बकेट्स को लेके, बकेट को लेके वाटर में जाती है, और एक थ्रेड यहाँ से एक ह्यूमन खींच रहा होता है, उसको हम बोलते हैं मोएट पुली सिस्टम। मोएट पुली सिस्टम में सिंपल है, एकदम सबसे सिंपल मेथड यही है कि इसमें एक पुली होता है, पुली यानी ये राउंड शेप का जो है हम खींचते हैं उसको हम पुली बोलते हैं। एक साइड बकेट है, जिसे गांव में, विलेज में लोग वेल में से पानी कैसे निकालते, सेम वही टेक्निक है जिसको मोएट पुली सिस्टम कहा जाता है। दैट्स इट, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सेम है। जैसे हमारे घर की टंकी में भी अगर पानी ना हो तो हम डायरेक्ट बाल्टी डाल के निकाल लेते हैं, बाल्टी डाल के, पर इसमें सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पे एक पुल्ली, ये पुल्ली जो है इसका यूज होता है, जो राउंड शेप की होती है इसके अंदर जो थ्रेड है वो मूव करती है, जो रोप है वो मूव करती है, बस इतना इतना ही चेंज है, बाकी एकदम सिंपल है। जैसे गांव में हमको मूवीज में दिखाया जाता है कि लोग गांव में कुएं से पानी निकाल रहे, वेल से पानी निकाल रहे, जो सेम सिस्टम है। देन है चेन पंप। चेन पंप क्या होता है, चेन पंप थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ये है मोएट पुली सिस्टम। आई होप कि सबको क्लियर होगा। देन आता है चेन पंप। चेन पंप क्या होता है, सपोज ये ग्राउंड है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हम है, ये ग्राउंड पे हम खड़े हैं, देन यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ये कोई रिवर, लेक, ऐसा कुछ है सपोज। देन क्या होता है, एक इसमें भी दो पुली होते हैं, इस मेथड में दो पुली का यूज होता है, एक पुली होता है यहाँ पे, एक पुली होता है ग्राउंड पे, एक पुली होता है वाटर के अंदर। इसमें क्या होता है, रोप क्या है, सर्क्यूलेटरी मोशन में, पीरियड्स में ऐसे मूव कर रही होती है, आप सोच सकते हो ये कुछ इस टाइप से मूव कर रही होती है, ऐसे इस मोशन में मूव कर रही होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से एम्प्टी बकेट, जो खाली बकेट्स होते हैं वो जाते हैं, और इस साइड से बकेट्स जो है वो वाटर से फिल होके आते हैं। यहां से क्या होगा, हम बकेट्स जाएंगे और यहां से बकेट्स फिल होके आएंगे। चेन पंप में सिर्फ इतना है कि दो पुल्ली का यूज किया गया है, बीच में रोप अटैच है जो इस मोशन में मूव कर रही होती है। उसमें क्या है, एक साइड से खाली बाल्टी भेजो,
दूसरे साइड से भरी हुई बाल्टी आएगी। इसमें सिर्फ इतना ही है। एक साइड से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बकेट्स जा रहे हैं और दूसरी साइड से वही वाटर में जाके फील होके वाटर में से आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही होता है चेन पंप वाले मेथड में। सबसे फर्स्ट मेथड मोएट पुली सिस्टम, वो तो कुएं में से पानी निकालो पुली के सिस्टम से, सिंपल था। सेकंड है चेन पंप। चेन पंप में दो पुली होते हैं, एक रोप होता है जो इस डायरेक्शन में एक मोशन कर रहे होते हैं, जिसमें एक साइड से एम्प्टी बकेट जाता है, दूसरी साइड से फिल किया हुआ बकेट आता है। एकदम सिंपल मेथड है। देन आता है ढेकली। अब ढेकली सुनते ही हमारे मन में आता है ढोकला, पर ये एकदम उस चीज से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इसमें ढोकला का कोई भी रोल नहीं है। इसमें क्या होता है, आपको ये क्लियर होगा मेरे हिसाब से, मैं रफ कर रही हूं। अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने तो आप ये सारा लिख सकते, सबका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते कि मैंने किस टाइप से समझाया था। आपको माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है। देन आता है ढेकली सिस्टम की बात करते हैं। ढेकली सिस्टम में क्या होता है, सेम यहाँ पे हमारे पास एक वेल है, कुआं है, यहाँ पे सेम उसी टाइप की एक पुली है, ठीक है, और यहाँ एक साइड बकेट है। यहाँ एक साइड से बकेट जा रहा है, ये एक बकेट है, और जो उसकी दूसरी थ्रेड है, इसमें पहले वाले हम मोएट पुली सिस्टम में क्या करते थे, ह्यूमंस पानी गया, बाल्टी अंदर गई, हमने खींच के पानी बाहर निकाला। अब इसमें फर्क क्या है कि ये जो बाहर जो थ्रेड जा रही है, इसमें क्या है, इसमें वाटर भरा हुआ है। अब जो हमने ये जो थ्रेड है वहां क्या, एक वुड का बड़ा सा वुड का डाल होता है या टुकड़ा होता है, उसको रखा होता है, और उसके आगे एक स्टोन होता है बड़ा सा, और इसमें ये थ्रेड बांध दिया जाता है। हम पानी कुएं में से निकालेंगे, उसको एक वुड के पार्ट से बांध देंगे, देन वो बाल्टी लेके हम कलेक्ट कर लेंगे, देन अगेन हम बाल्टी डुबोएंगे, निकालेंगे, और वो वुड के, तो हमको बार बार क्या बाल्टी को थ्रेड से अलग करने की, रोप से अलग करने की जरूरत नहीं। इसमें खाली सिंपल इतना है, जो चेन पुली सिस्टम था मोएट पुली सिस्टम, उससे डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे ह्यूमंस नहीं है। ह्यूमंस अपनी पावर का यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे वुड से उसको थ्रेड को रोप को बांध दिया है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो ढेकली भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आते हैं राहत पे। अब राहत में क्या है, नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई मेहनत है ही नहीं, यूं चुटकी बजाते ही राहतों में आराम से जो भी है पानी फार्म में पहुंच जाता है, पर ऐसा नहीं है। राहत नाम इसलिए में भी रखा गया है ताकि इसमें क्या, ह्यूमंस का कोई वर्क नहीं, ह्यूमन कोई वर्क नहीं करते, राहत की सांस लेते। वर्क कौन करता है, बेचारे एनिमल्स से करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, सेम अगेन हमारे पास यहाँ पे एक वेल है, यहाँ पे अगेन पुली है, एक एक रोप जाता है बकेट लेके, जिसमें वाटर वाटर फील किया हुआ है, देन दूसरा रोप आता है यहाँ इस साइड पे, जो एक सर्क्यूलर व्हील शेप से जॉइंट रहता है, और यहाँ से इसके साथ जॉइंट एक एनिमल रहता है, एनिमल ये एनिमल से जॉइंट रहता है। इसमें क्या होता है, सपोज अगर एनिमल
क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बाल्टी जो वेल है उसके अंदर जाएगी, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो जो एनिमल है वो एंटी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो बाल्टी बाहर आएगी। जस्ट इतना ही है, सिंपल है। अगर जो एनिमल है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, ये जो है, अगर सपोज अगर सपोज इस डायरेक्शन में अगर एनिमल मूव कर रहा है तो शायद बाल्टी अंदर जाएगी, वेल के अंदर जाएगी, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन यानी इस साइड में अगर मूव कर रहा है तो बाल्टी जो है, हम ये जो वाली बकेट है वो बाहर आएगी। जस्ट इसमें इतना ही लॉजिक का यूज किया गया है एनिमल्स ने, एनिमल्स पे ये इंस्ट्रूमेंट का यूज एनिमल से किया जाता है। इसमें ह्यूमंस को बस राहत की सांस लेनी है, बैठ जाना है, और वर्क कौन करेगा? बेचारे एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू उनसे ये वर्क कराया जाता है, उनको बार बार ऐसे मूव कराया जाता है, जिससे क्या, बकेट अंदर जाएगा वेल के, बकेट बाहर आएगा। तो ये इरिगेशन के मेथड्स थे कि हम हमारे फार्म में कौन से टाइप से, किस किस मेथड से हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं। ये सारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे। अब हमने क्या किया, अभी तक हमने सॉइल प्रिपेयर की, फिर सीड्स को डाला, देन हमने मैन्योर फर्टिलाइजर डाला ताकि हमारा जो प्लांट हो अच्छे से ग्रो हो, देन हमने वीड्स को हटाया, वीड्स से प्रोटेक्ट किया हमारे फार्म को कि वीड्स उग ना जाए। अगर उग जाएंगे वीड्स तो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो सारा वीड्स एब्जॉर्ब कर जाएंगे, जो अनडिजायरेबल ग्रास उगती है, जो घास है, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेंगे सॉइल में से। फिर हमने इरिगेशन में वाटर सप्लाई किया हमारे फार्म में। अब टाइम आ गया है कि जो हमने इतनी सारी प्रोसेस की, अब टाइम आ गया है कि हमारा प्लांट जो है मैच्योर हो गया है, अब हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में वो प्लांट को कट किया जाएगा और उस प्लांट से जो उसके ग्रेन्स है वो अलग किए जाएंगे। तो ये हार्वेस्टिंग वाले प्रोसेस में एक मेथड है जिसको हम विनोविंग कहते हैं, जो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। विनोविंग वाले मेथड में क्या होता है, एक साइड से एक पर्सन हवा कर रहा होता है, किसकी हेल्प से, या तो फैन होगा या तो कुछ हाथ, उसके हाथ में कुछ ऐसा होगा जिससे वो एक डायरेक्शन में, सपोज मैं यहाँ एक पर्टिकुलर हाइट पे खड़ी हूँ और मेरे हाथ में ढेर सारे ग्रेन्स है जिसमें क्या कुछ इम्प्योरिटीज भी है, जैसे कि कुछ ड्राई लीव्स है, कुछ इम्प्योरिटीज है प्लांट की, तो वो मैं नीचे गिराऊंगी और वहां से एक पर्सन इस डायरेक्शन में हवा कर रहा है जिससे क्या होगा, ग्रेन्स क्या होते हैं, ग्रेन्स भारी होते हैं, हैवी होते हैं, वो नीचे गिर जाएंगे। लेकिन जब मैं ग्रेन्स गिराऊंगी उसमें जो ड्राई लीव्स या एकदम हल्की इम्प्योरिटीज होगी वो उड़ के थोड़ा आगे गिरेगी और जो ग्रेन्स होंगे वो नीचे डायरेक्ट गिर जाएंगे उनके वेट के वजह से। तो हार्वेस्टिंग में ये वाला प्रोसेस भी यूज किया जाता है जिससे क्या, हम ग्रेन्स और जो उसके ड्राई लीव्स, ड्राई प्लांट के जो ड्राई पार्ट है वो अलग किए जाते हैं। और कुछ हार्वेस्टिंग, कई जगह तो हार्वेस्टिंग वाले फेस्टिवल्स भी होते हैं, जब पूरे गांव में हार्वेस्टिंग हो जाती है, फसलें कट जाती है, फिर जो विलेज के लोग होते हैं वो सारे साथ में मिल के फेस्टिवल इंजॉय करते, जिनको बोलते हैं बीहू, बैसाखी, पोंगल, ये जो सारे फेस्टिवल्स है ये सब गांव के विलेज के लोग मनाते हैं, इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि हार्वेस्टिंग, फसलें कट चुकी हैं, सब साथ में गेट टुगेदर होता है, फूड बनता है, वो लोग डांस करते हैं, अपना ट्रेडिशनल डांस करते हैं, ये फेस्टिवल को इंजॉय करते हैं। अब सबसे लास्ट में क्या आता है, स्टोरेज। इतनी सारी मेहनत करके जो हमने ग्रेन्स उगाए, अब उसको स्टोर कैसे करें? अब इतनी मेहनत हमने की है तो स्टोरेज पे भी ध्यान देना होगा। अब इतनी मेहनत करने के बाद अगर कुछ हमको मिलता है, बहुत ज्यादा लाइफ में अगर हम मेहनत करते हैं उसके बाद कुछ हमको मिलता है तो उसकी बहुत ही ज्यादा हमारे लिए रिस्पेक्ट होती है कि हाँ भाई इतनी मेहनत करके मुझे ये चीज मिली, इसका ध्यान रखना मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो सोचिए, इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर किया सीड डालने के लिए, फिर हमने सोइंग वाले प्रोसेस में सीड डाला, देन हमने उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर डाला ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, वीड्स को रिमूव किया ताकि वो न्यूट्रिएंट सॉइल के कोई और प्लांट एब्जॉर्ब ना कर ले, देन हमने उसको वाटर सप्लाई किया, कहीं वाटर वाटर देखिए रूट्स होते हैं, रूट्स क्या है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर के साथ ये मैन्योर फर्टिलाइजर में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो डिजोल्व होके रूट से एब्जॉर्ब हो जाते, तो वाटर सप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। फिर हमने वाटर सप्लाई किया, देन हार्वेस्टिंग का टाइम है, हमारा प्लांट मैच्योर हो गया, हमने उसके ग्रेन्स को उसके प्लांट से अलग करके हमने रखा, अब उसको स्टोर कैसे करें, लंबे टाइम तक जो वो सीड है ग्रेन है वो अच्छा रहे, उसमें कोई माइक्रोबियल फंगल अटैक ना हो, बिगड़ ना जाए, तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले जो सीड्स है ग्रेन्स है उनको हमको सन की रेज में सन की हीट में रखना है, क्योंकि वो जो सीड्स है वो एकदम ड्राई हो जाने चाहिए, अगर मॉइस्चर वाले होंगे तो उनपे फंगल फंगल अटैक हो सकता है, अगर एकदम ड्राई हो जाएंगे फिर हमको हम उनको जूट बैग में भी रख सकते हैं, जूट बैग यानी अब बैग्स यानी बोरे होते हैं, बैग्स यानी विलेज में, अब आप बोलोगे मैम हमारे घर पे भी बोरे आते हैं लेकिन वो तो प्लास्टिक के होते हैं, प्लास्टिक वाले बैग्स की यहाँ पे बात नहीं की गई है, जूट बैग यानी जो आपने 6th स्टैंडर्ड में जूट के बारे में पढ़ा था, जूट फाइबर जिससे हमको मिलता है जूट प्लांट से, तो वो जो जूट में से जो फाइबर्स बनते हैं उसका बोरा बनता है उसके थ्रेड से, तो उसको जूट बैग बोला जाता है, उसमें हम सीड स्टोर कर सकते हैं। मेटेलिक बिन्स यानी मेटल के जो ड्रम्स आते हैं उसमें हम सीड ड्राई जो भी करना है स्टोरेज कब करनी है, हमको सन की हीट में ड्राई करने के बाद ही स्टोर करना है, तो हमने मेटल के बीन्स में मेटल के ड्रम्स में भी स्टोर कर सकते। देन सिलोसिस, सिलोसिस क्या होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े एकदम टब टाइप मतलब बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं, जिसमें क्या सीड्स भरे जाते, सीड को स्टोर करके रखा जाता है, उसको बोला जाता है सिलोसिस। देन आता है ड्राई नीम, ड्राइड नीम्स यानी जो सूखे नीम के पत्ते होते हैं उनको अगर हम सीड्स के साथ ग्रेन्स के साथ मिक्स करके रखते हैं तो क्या हमारा जो सीड्स है उस पे कोई फंगल या माइक्रोबियल अटैक नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक हमारा जो सीड है वो सेफ रहेगा। तो आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, पहले हमने खेती करने के लिए सॉइल को प्रिपेयर किया, सॉइल के जो बड़े बड़े लम्स होते हैं उनको छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट किया, देन उस जब हमने पीसीस में कन्वर्ट किया सॉइल को, देन उसमें हमने सीड्स डाले, सीड्स डालने वाली प्रोसेस को बोला जाता है शोइंग, देन हमने सीड्स डाल दिए, अब उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो अच्छे से उसके लिए हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किया। इतना याद रखना आप कि फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करना हार्मफुल है, मैन्योर ऑर्गेनिक है नेचुरल है, मैन्योर हम सेफ होता है हमारे लिए ह्यूमंस के लिए, लेकिन फर्टिलाइजर केमिकल से बना है तो वो इतना सेफ नहीं होता है, वो ऐड किया ताकि हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके। देन प्रोटेक्ट किया हमने हमारे फील्ड को कि कोई अनडिजायरेबल प्लांट ना उगे जो हमारे सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। देन इरिगेशन, हमने हमारे फील्ड में वाटर सप्लाई की अलग अलग मेथड से। देन आता है हार्वेस्टिंग, फिर हमारा प्लांट मैच्योर हुआ तब हमने उसकी कटिंग की और जो ग्रेन्स है उसको प्लांट से अलग किया और लास्ट में हमने उसको स्टोर किया एकदम प्रॉपरली ध्यान दे के, जो कि हमने इतनी सारी प्रोसेस के बाद जो हमने ग्रो किया था उसका ध्यान देना तो बनता है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा मेरे हिसाब से, अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो ये वीडियो एक बार फिर देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए तो आपके माइंड में सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बोरिंग नहीं है, अगर आपको समझ आता है तो ये काफी चैप्टर इंटरेस्टिंग हो सकता है। अगर आपको ये चैप्टर पूरा समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट टाइम मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाय, थैंक यू।